हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। दिन में मस्त काम, शाम को थोड़ी सी मस्ती और रात को आराम। क्या बात है? राजीव, काम का मजा तो तब है जब काम अच्छा हुआ हो। स्वाति, तुम कहना क्या चाहती हो? कि हम लोग का काम ठीक नहीं है? कहाँ हुआ यार, पिक्टोरियस पौधे के लिए आए थे, वो मिला? हाँ यार, स्वाति सही कह रही है। अब कल प्रोफेसर कपिल को क्या जवाब देंगे? अरे कह देंगे ना कि जहाँ तक आपने कहा था हम लोग गए थे, लेकिन पिक्टोरियस पौधा मिला ही नहीं। अरे ऐसे कैसे कह देंगे? अरे जो भी कहना है कल कहना है, ठीक है ना? तो कल कह देंगे। अब आप सब लोगों से तान्या कुछ कहना चाहते हैं। तान्या, ओए छुपी रुस्तम, क्या छुपा बैठा है? कहीं तुम्हारे पेरेंट्स शादी के लिए राजी तो नहीं हो गए? हाँ यार, क्या करते। अरे वाह, क्या बात है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आज सुबह ही सब कुछ फाइनल हुआ है। और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं। कब है शादी? अगले महीने 23 तारीख को। और हाँ, तुम सबको आना है। अरे तुम नहीं भी बुलाओगे तब भी हम लोग पहुँचेंगे, है ना? खुशी का माहौल है, चले संगीत की तैयारी शुरू करते हैं। अंताक्षरी खेलते हैं। एक काम करते हैं, तुम लोग खेलो, तब तक मैं और राजीव थोड़ा घूम के आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब होने वाले पति पत्नी को थोड़ा सा वक्त अकेले बिताने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन हाँ ज्यादा दूर पे ना जाना। ओके बाबा, चलो एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय बाय, टेक केयर। चलिए हम लोग गाना शुरू करते हैं। पता है राजीव, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी, जिससे चाहता हूँ उसी से शादी होगी। और पता, इसका क्रेडिट रेशियो बहुत स्वाति को जाता है। हाँ, उन दोनों ने कितने पापड़ बेले हैं हमारे पेरेंट्स को मनाने के लिए। ओ, भागो यहाँ से। हाँ भागो, चल। क्या हुआ? लाश। लाश काफी खराब हो चुकी है। लगता है काफी टाइम हो गया लाश को यहाँ पे गाड़े हुए। कीड़ों ने भी काफी खा लिया है। लेकिन लाश को ऐसे क्यों गाड़ा? आधी लाश जमीन के अंदर और आधी जमीन से ऊपर। नहीं, गाड़ा तो पूरा ही होगा। शायद जानवरों ने लाश को बाहर खींच लिया है। खोदने के लिए ला। सर, ये तो किसी लड़की की लाश है। हाथ में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र है। तो ये बात पक्की है, चोरी के लिए खून नहीं किया गया है। चेक करो, देखो कुछ और दिखता है क्या। ये सबसे पहले लाश किसने देखी थी? मिस तान्या ने सर। हाँ सर, ना ही मेरा पैर फिसलता, ना ही मैं गिरती और ना ही मुझे ये लाश दिखती। हम दोनों टहल रहे थे सर कि अचानक से बहुत सारे ब्लोफ्लाइज हमारे ऊपर आ गए, और हम जानते हैं कि ब्लोफ्लाइज सिर्फ लाश पर ही मंडराते हैं, तो इसलिए हम घबरा के भागने लगे, तो अचानक से तान्या के पैर फिसलने पर वो एकदम से लाश के ऊपर जा गिरी। ब्लोफ्लाइज लाश के ऊपर ही मंडराती, आपको कैसे पता चला? सर, हम लोग साइंटिस्ट हैं और एक रेयर प्लांट जिसका नाम पिक्टोरस है उसे हम लोग ढूंढ रहे थे, इसलिए हम लोग जानते हैं कि ये ब्लोफ्लाइज लाशों पर ही मंडराते हैं। कब से कैंपिंग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर, वैसे हम यहाँ पिछले 4 दिन से कैंपिंग कर रहे हैं।
कल रात 2 किलोमीटर दूरी पे थे, आज शाम को ही यहाँ आए हैं। सर और कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। सर असंग, कैसी हुई इसकी मौत? मौत गोली लगने से हुई है बस। ये देखो, ये देखो, इसकी खोपड़ी पर पीछे की तरफ गोली मारी है और गोली बहुत नजदीक से मारी है, जिसकी वजह से इसका सामने का आधा चेहरा भी गायब हो गया। बस गोली मार के ले जाके गाड़ दिया इस बिचारी को जंगल में। मतलब इसकी मौत गोली लगने से ही हुई है? हाँ, शरीर के और कोई सिम्टम्स है नहीं बस, ना तो जहर के कोई ट्रेसेस है, ना ही चोट का कोई और निशान है। इसकी उम्र क्या होगी? बॉस, इसकी हड्डियों का केमिकल एनालिसिस तो बता रहा है कि इसकी उम्र 28 से 30 साल के बीच में होगी। तारीख बना रही है इसका चेहरा, उससे पता चल जाएगा कि मरने से पहले ये कैसी दिखती थी। और इसकी मौत कब हुई होगी? बॉस, लाश को देख के तो लगता नहीं कि इसको मरे हुए ज्यादा दिन हुए होंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, तो फिर इतनी बॉडी सड़ कैसे गई? बस क्योंकि इस औरत की लाश जंगल में थी, इसलिए मैगेट्स ये कीड़े जल्दी पैदा हो गए और इन्होंने अपना असर इसके शरीर पे जल्दी कर दिया। लेकिन थोड़ा वक्त दो, ये कीड़े खुद बताएंगे कि आखिर इसकी मौत हुई कब थी। कीड़े? सालू के साथ? कीड़ों से कैसे पता चलेगा? सब पता चल जाएगा बेटी। सर? हाँ तारिका। सर, मरने से पहले ये औरत कुछ ऐसी दिखती होगी। बेटी, हमारे रिकॉर्ड से पता लगाओ क्या किसी ने इस औरत के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या? यस सर। सचिन, ये तो अच्छा हो साइंटिस्ट लोग जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, नहीं तो लाश वहीं पर पड़े पड़े सड़ जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ सर, ये बात तो है सर। हाँ श्रेया, कुछ पता चला? हाँ सर, पिछले 6 महीनों में 15 औरतों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और सर, इनमें से ये औरत का चेहरा सालू के साहब के बने हुए चेहरे से मिलता जुलता है। हाँ, लगता तो बिल्कुल वैसा ही है। और कोई सबूत मिला है? यस सर। सर, लाश के गले में ये जो हार मिला था, बिल्कुल ऐसा ही हार इस औरत के गले में भी है। हाँ, हार भी वैसा ही है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस औरत का नाम निशा है, उम्र 28 साल। निशा? सर, सालुन के साहब भी यही कह रहे थे कि उस औरत की उम्र तकरीबन 28 से 30 के आसपास होगी। इसके गायब होने की रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? उसके पति हर्षित ने। पत्नी ने? हर्षित? और सर, ये कंप्लेंट उसने सिर्फ 4 दिन पहले ही दर्ज करवाई है। सिर्फ चार दिन पहले। उस औरत का चेहरा देखकर तो लगता है कि उसकी मौत कम से कम 10-12 दिन पहले हुई है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, निशा के पति ने उसके गायब होने की कंप्लेंट इतनी लेट क्यों लिखवाई? ये तो निशा का पति हर्षित ही बताएगा। डॉक्टर हर्षित, आप भी डॉक्टर हर्षित हैं? जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आइए आइए, अंदर आइए आइए आइए। नहीं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर हर्षित, आपने रिपोर्ट लिखवाई थी कि आपकी पत्नी निशा पिछले 4 दिनों से गायब है। जी, 4 दिनों से गायब है यार,
क्या उससे पहले मुझे नहीं पता था? मैं खुद यहाँ पे नहीं था। कहाँ थे? मैं कुछ ऑफिस के काम से पुणे गया हुआ था, फर्स्ट मई से 10th मई तक। मतलब फर्स्ट मई से पहले निशा आपके साथ यहीं थी घर पे? जी। मगर आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें एक लाश मिली है और लाश के पास से ये। ये तो निशा का है। सर ये तो ओवर एक्टिंग करने लगा। करने दो सचिन, बड़े बड़े एक्टरों को देखा है हमने, करने दो। सर आप लोगों को निशा की लाश कहाँ मिली? सर यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है, वहां से मिली। अच्छा डॉक्टर हर्षित, आपने अपनी पत्नी निशा से आखिरी बार कब बात की थी? सर जिस दिन मैं पुणे के लिए निकला था उसी दिन बात हुई थी सर, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उससे। यू को यहाँ मुंबई में अकेले छोड़ दिया और बात करने की कोशिश तक नहीं की आपने? कोशिश की थी सर मैंने, लेकिन उसका मोबाइल खराब था सर। अगर उसका मोबाइल खराब था तो लैंडलाइन पे फोन कर लेते। सर लैंडलाइन भी खराब था सर। क्या बात है, मोबाइल भी खराब लैंडलाइन भी खराब, बड़ा अजीब इत्तेफाक है, दोनों के दोनों फोन खराब सर। ये सब तो एक बहाने हैं डॉक्टर हर्षित, अगर आप चाहते तो किसी तरह से अपनी बीवी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते थे। सर मैंने कोशिश की थी सर, हमारे नेबर मिसेस डिसूजा को भी बोला था कि चेक करने के लिए सर, लेकिन जब वो यहाँ आए तो निशा ने दरवाजा नहीं खोला सर, पर हमारे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं है कि किसी को दे या, सर सर किसी के पास चाबी नहीं है सर हमारे घर की। हर्षित, हर्षित। हेलो सर, ये तेरा फोन। ठीक, ये कौन है? सर मैं, ये मेरा बचपन का दोस्त अनुराग, इसी को दिया था मैंने फोन रिपेयर करने के लिए। पर तू रो क्यों रहा है, सब ठीक तो है? क्या हुआ निशा? क्या हुआ निशा को? निशा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या, कब, कैसे? उसी बात की तहकीकात चल रही है। अब तो आपको यकीन हो गया ना सर कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? डॉक्टर हर्षित, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा, फिलहाल जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। श्रेया, निशा के सारे दोस्तों की जानकारी निकालो और उन सबको ब्यूरो बुलाओ। तुम सब निशा के करीबी दोस्त हो, है ना? तो क्या तुम में से कोई जानता है कि निशा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या फिर कोई निशा से नफरत करता था? निशा बहुत शांत और मिलनसार स्वभाव की लड़की थी, सबकी मदद करती थी, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? आप पिछले कई सालों से निशा को जानते हैं, उसका आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वो कभी किसी पर गुस्सा भी नहीं करती थी, बुरा भला नहीं बोलती थी, बल्कि जब भी हम लोगों के बीच झगड़े होते थे तो सुलह वही कराती थी। हमें बहुत शौक लगा सर, हमें समझ नहीं आ रहा कि कोई भला निशा का खून कैसे कर सकता है। निशा का पति हर्षित वो तो 1 मई से लेकर 10 मई तक बाहर गांव गया था, मगर तुम लोग तो यहीं पर थे ना, तो क्या तुम में से किसी ने निशा के साथ बात की या फिर उसे मिलने की कोशिश की थी? क्या हुआ है? तुम लोग चुप क्यों हो? तुम लोग निशा से मिले थे या नहीं, उससे बात की या नहीं? नहीं सर, निशा से बात किए बहुत टाइम हो गया। हम सब तो 15 दिनों के लिए राजस्थान घूमने गए थे। हाँ सर, ये 1 महीने पहले की बात है। अब मैंने उसे उस टाइम में फ़ोन करके पूछा भी कि अगर तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो, लेकिन उसने मना कर दिया सर, और हमारे वापस आने के बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई सर। क्यों, क्यों नहीं बात की है? 1 महीना हुआ, तुम्हें से किसी ने भी निशा को फोन तक नहीं किया, उसकी पूछताछ नहीं की? अपने आप को उसके करीबी दोस्त कहलाते हो ना? वाह,
और फिर वो है निशा का पति जिसे उसकी चिंता ही, और एक तुम निशा के सबसे करीबी दोस्त। वाह वाह दोस्त। सर लगता है कि निशा के परिवार वालों को निशा की चिंता थी ही नहीं, बनाए उसके दोस्तों को। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर और क्या बात है? अगर तुम में से किसी को भी ख्याल होता ना निशा का, तो आज बेचारी वो जिंदा होती। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या कहना बाकी है, है? चलो बताओ। सर मैं निशा से मिली थी। निशा से मिली थी कब? 7 मई। 7 मई को मैं उसके घर गई थी उससे मिलने। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बात मुझे कहनी चाहिए भी या नहीं। मैं इसमें फंसना नहीं चाहती। और तब निशा घर पे थी? जी हाँ, बिल्कुल सही सलामत। तुम्हें पूरा यकीन है 7 मई को ही तुम मिली थी निशा से? जी हाँ। अच्छा तो उस वक्त निशा का बर्ताव कैसे था? मेरा मतलब है क्या वो ठीक ठाक थी? कोई टेंशन वगैरह था उसे? जी हाँ, थोड़ी सी परेशान दिख रही थी, टेंशन में थी। मैंने जब उससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तुम लोग शहर छोड़कर नहीं जाओगे, समझे? सर अगर अंजलि 7 मई को निशा से उसके घर पे मिली थी तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। फिर तो सर निशा का खून हर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मई से लेकर 10 मई तक हर्षित शहर में था ही नहीं। सर ऐसा हर्षित कह रहा है सचिन, हर्षित कह रहा है, लेकिन हमने कहां कंफर्म किया है कि वो 10 दिन के लिए शहर में था भी या नहीं? और फिर अगर वो 10 दिन के लिए बाहर गया भी तो 1 दिन के लिए वापस आकर भी जा सकता है। हाँ साड़ूंगे। बस खुली हुई लाश पर ये ब्लोफ्लाइज, जिसे साधारण तौर पर मक्खी कहते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती है, और लाश पर पहुंचने के कुछ ही देर में ये ब्लोफ्लाइज अंडे देना शुरू कर देती है। एक ब्लोफ्लाई एक साथ 250 से 300 अंडे दे सकती है, और फिर 10 से 12 घंटों के अंदर अंदर ये अंडे फूटने लगते हैं और इसमें से 2 मिलीमीटर लंबा लार्वा निकलता है, और फिर ये लार्वा लाश के मांस को खाता खाता बड़ा होकर के 8 से 10 दिन के अंदर एक प्यूपा बन जाता है, और फिर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इस प्यूपा में से निकलती है पूरी एडल्ट ब्लोफ्लाई, और ये ब्लोफ्लाई अपने अगले शिकार के लिए उड़ जाती है। बॉस अंडे से लेकर के लार्वा होते हुए पूरी मक्खी बनने की इस पूरी साइकिल को कम से कम 13 दिन लगते हैं। और बॉस मुझे इस लाश पर से एक ब्लोफ्लाई मिली, और इसे स्टडी करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं बॉस कि इसकी मौत कम से कम 13 दिन पहले हुई है। इसकी मौत कम से कम 13 दिन पहले हुई है? लेकिन सर अंजलि तो कह रही थी कि वो 7 तारीख को निशा से मिली थी। ये अंजलि झूठ बोल रही है, हमसे झूठ बोल रही है। निशा की सहेली अंजलि जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं, पहले तो झूठी कहानी बनाई, अब खुद गायब है। हाँ सर, जरूर इस केस में उसका भी हाथ है, वरना वो हमसे झूठ नहीं बोलती कि 7 मई को वो निशा से मिली थी। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। फिर ये डॉक्टर हर्षित भी तो गायब नहीं हो गया? पहले अंजलि और अब ये डॉक्टर हर्षित, दोनों के दोनों एक साथ गायब है, माजरा क्या है? अंदर चल के देखते हैं। घर का कोना कोना छान मारा।
सर हर्षित तो दूर, उसके कपड़े भी नहीं होंगे। मतलब हर्षित भाग गया। सर हर्षित सर ये देखिए, लगता है खून का निशान है। शेन, ये खून है या नहीं इसे कंफर्म करना पड़ेगा। जरा गाड़ी से ट्रेल लेना सर। सर कहीं इस हर्षित और अंजलि के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है? हो सकता सचिन, हर्षित और अंजलि ने मिलकर निशा का खून किया और अब दोनों गायब है। सर ये तो खून ही है। सर इसका मतलब डॉक्टर हर्षित ने निशा का खून इस घर में ही किया है। डॉक्टर हर्षित ने निशा का खून यहाँ इस घर में किया तो उसकी लाश वहाँ जंगल कैसे ले गया होगा गाड़ी से? और सर डॉक्टर हर्षित की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी। चलो देखते हैं। ये लो, डॉक्टर हर्षित हड़बड़ी में घर से तो भाग गया, अगर अपनी गाड़ी लेकर नहीं गया। सर हो सकता है जल्दबाजी में वो टैक्सी में चला गया हो या फिर अंजलि की गाड़ी में भाग गया हो। ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो अपनी गाड़ी लेकर जाएगा तो गाड़ी आसानी से ट्रेस कर ली जाएगी। सर एक बात नोट की आपने, फ्लोर मैट्स सीट्स सब एकदम साफ, जैसे हाल ही में गाड़ी को अंदर से पूरी तरह से धो दिया गया। हाँ, ऐसी क्या चीज थी गाड़ी में जो डॉक्टर हर्षित को ये साफ करनी पड़ी, धूल या कुछ और? सर ये देखिए, यहाँ पे भी खून लगा हुआ है। डिक्की के अंदर खून के निशान। एक बात तो पक्की हो गई कि डॉक्टर हर्षित ने अपनी बीवी निशा को घर के अंदर मारा और फिर उसकी लाश को गाड़ी के डिक्की में डाल के जंगल में ले जाके फेंक दिया। एक काम करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। मैंने कुछ नहीं देखा। अरे मैं अभी अभी तो अपने बेटी के घर से आई हूँ, बेटी के घर थी मैं, और मैं नहीं जानती ये हर्षित कहाँ है। माँ जी आप अपने बेटी के घर कितने दिनों तक थी? ये लो, पहले मेरी सास थी मुझसे ये सब पूछने के लिए, और उसके बाद मेरा पति, और अब ये CID हमसे हिसाब मांगेगी हम कहाँ थे कितने दिन के लिए थे। अरे मेरी बेटी है और मेरी मर्जी है, मैं चाहे जितने दिन चाहूं अपनी बेटी के यहाँ रह सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? माँ जी आप तो बुरा मान गई, हमारा ये मतलब नहीं था। अरे मैं तो अपनी बेटी के यहाँ 4 दिनों के लिए गई थी। अरे उसके बच्चों की परीक्षा थी ना, तो थोड़ी मदद करने। अब ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। हाँ अब आई हूँ ना, तब से बस अपना सामान अनपैकिंग और घर के काम में ही लगी हुई हूँ। कोई नहीं है मेरे यहाँ ऐसा जो मेरी मदद करेगा। माफ करो भाई, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं कुछ नहीं जानती हर्षित कहाँ है क्या कर रहा है, जाओ यहाँ से। ठीक है। सुनो शायद मुझे कुछ पता है जी। वो घर भी अजीब है और वो निशा और हर्षित भी अजीब ही थे। क्यों माजी, अजीब क्या था? अरे बेटा 4-6 दिन पहले की बात है, एक रात मैं टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम देख रही थी, तभी अचानक मुझे हर्षित के घर से अचानक किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे कोई चीखा?
ये जरूर पूछिएगा। और ये चीख इतनी रात को कौन हो सकता है? ये आवाज तो मुझे निशा की लग रही है। अरे इनके घर की तो सारी लाइट्स बंद है, पर मैंने चीखने की आवाज तो यहीं से सुनी थी और आवाज भी निशा की लग रही थी। निशा, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, चीखने की आवाज तो मुझे निशा की लगी। पता करती हूँ भाई, दरवाजा खटखटाती हूँ। निशा, अरे ओ निशा, निशा, अरे लगता है सब सोस आ गए होंगे या फिर कोई डरावना भूत प्रेत का सीरियल देख रहे होंगे। अरे बाबा, मैं तो ऐसे सीरियल कभी ना देखूं। सर, ये औरत तो बड़े यकीन के साथ कह रही थी कि 6 दिन पहले रात में जो उसने चीखने की आवाज सुनी वो निशा की थी, और चीख सुनने के 20-25 मिनट बाद उन्होंने किसी गाड़ी की आवाज सुनी। इसका मतलब है कि डॉक्टर हर्षित ने लाश को अपनी गाड़ी में डाला और ले आके जंगल में फेंक दिया। ये सब मुमकिन है, मगर डॉक्टर सालुंके के हिसाब से निशा की मौत 12 दिन पहले हुई थी, और इस औरत ने निशा को 6 दिन पहले 6 मई को उसके चीखने की आवाज सुनी। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर सालुंके भी गलत तो नहीं हो सकते। सालुंके! सालुंके! समझता क्या है तू अपने आप? समझता क्या है? क्या हुआ है तो चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊ नहीं तो क्या तारीफ करूं तेरी? तेरी वजह से पता है कितनी गड़बड़ हो गई? क्या बात है यार, साफ साफ तो बोलो। तो फिर साफ साफ सुन ले, दिमाग खराब हो गया तेरा, सकिया गया तू। अरे दिमाग, हाँ रिटायर हो जा तू। पर फ्रेडी सर, आखिर हुआ क्या है? अरे उनसे क्या पूछो, मुझसे पूछो, पूछो ना अपने बॉस से पूछो, सारों के सर से पूछो। क्या क्या हुआ बताओ तो। तूने गलत इन्फॉर्मेशन दी और उसकी वजह से निशा की केस बिगड़ गई है। सारों के क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी मैंने? क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी तो सुन, तूने कहा था ना कि बॉस, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि निशा की मौत 13 दिन पहले हुई है, मतलब 30 अप्रैल को हुई है। कहा था ना? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है सालुंके, निशा की मौत 13 दिन पहले नहीं बल्कि 7 दिन पहले हुई है। 7 दिन पहले? समझो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं, गवाह है हमारे पास, गवाह है। गवाह? हाँ सालुंके साहब, निशा की पड़ोसी ने 6 मई की रात को निशा के चीखने की आवाज सुनी थी। अरे पर ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल? हाँ, क्यों इम्पॉसिबल? ये ब्लो फ्लाइज मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है प्रद्युमन, ये ब्लो फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, कोई इंसान नहीं है जो अपनी उम्र छुपा जाए। और आज तक मुझसे कोई गलती नहीं, तो आज मुझसे कोई गलती क्यों होगी यार? हो सकती है क्या सालुंके? गलती हुई है, हुई है गलती तेरे से। तूने गलती की है सालुंके। जी कहिए। क्या 1 मई से 10 मई तक डॉक्टर हर्षित आपके होटल में ठहरे हुए थे? क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर हर्ष। हाँ सर, 1 मई से 10 मई तक डॉक्टर हर्षित इसी होटल में ठहरे थे। यही है? सर ये डॉक्टर हर्षित है या नहीं ये नहीं बता सकती, पर कुछ दिन पहले इन्हें होटल में देखा जरूर था। सर यही है डॉक्टर हर्षित। पक्का मालूम? हाँ सर, जब भी ये पुणे आते हैं हमारे ही होटल में ठहरते हैं। सर ये देखिए सर, ये क्या है? 6 मई सुबह 10:32 से 7 मई रात 8:45 तक डॉक्टर हर्षित ने डू नॉट डिस्टर्ब का इंस्ट्रक्शन दे रखा, लेकिन 2 दिन तक डॉक्टर हर्षित अपने कमरे में कर क्या रहे थे? सर अपने कमरे में तो क्या, होटल में भी नहीं थे। होटल में ही नहीं थे? जी सर। कहाँ गए थे? अब ये तो मुझे पता नहीं सर, पर वो बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे और फोन पर किसी से गुस्से में बात करते हुए जा रहे थे। अच्छा, डॉक्टर हर्षित यहाँ अपनी गाड़ी से आए थे या? नहीं सर, टैक्सी से आए थे। थैंक यू। एक बात तो साफ है, डॉक्टर हर्षित 6 मई को पुणे से मुंबई गया, निशा का खून किया, सारे सबूत मिटाए और 7 मई को वापस पुणे आ गया। हो सकता है निखिल,
लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि डॉक्टर हर्षित यहाँ से मुंबई ही गए थे। तो अब पता कैसे चलेगा सर? वो अपनी गाड़ी तो लाए नहीं थे, तो जहाँ भी गए होंगे टैक्सी से ही गए होंगे। एक काम करते हैं, टैक्सी स्टैंड से चल के पता लगाते हैं। सब बताइए ना, हुआ क्या है? सब प्लीज बताइए क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया था। वो प्रद्युमन सही था, मैं गलत था। क्या? ये मैगर्स गलत थे। क्या कह रहे आप सर? आसान की क्यों बुलाया? बस दरअसल तुम ठीक थे लेकिन मैं भी गलत नहीं था। क्या मतलब? पूरी बात सुन लो बॉस। मैं जिन कीड़ों को टेस्ट कर रहा था वो कीड़े नकली थे। क्या? मैगट्स नकली थे? हाँ। ये कैसे हो सकता है बॉस? हाँ सड़ों की, ये कैसे हो सकता है? हाँ? तूने ही तो कहा था ना कि ये मक्खियां इंसानों की तरह अपनी उम्र झूठी नहीं बता सकती, फिर ये कैसे हुआ? बॉस ये मक्खियां अभी भी झूठ नहीं बोल रही। फिर वही बात। बात सुन लो, ये कीड़े हैं तो 13 दिन पुराने, लेकिन ये निशा की लाश के नहीं है। क्या? निशा की लाश के नहीं है? नहीं। तो फिर किसके? ये कीड़े किसी और के हैं बॉस। किसी और लाश पर से किसी ने कीड़े उठाकर निशा की लाश पर लाकर के रख दिए। सर इसका मतलब उसकी मौत 6 मई को ही हुई थी, उस गवाह के मुताबिक 7 दिन पहले। हाँ बॉस। तो ये बात है, तो ये बात है, इसीलिए वो 7 दिन का फर्क मौत में है। मतलब कोई चाहता था कि हमें लगे कि निशा की मौत 7 दिन पहले नहीं बल्कि 13 दिन पहले हुई है। मगर सर ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम वही कर सकता है फ्रेडी जो बड़ा होशियार है, चालाक है, जो लाशों के सड़ने के बारे में जानता है, जो मैगट्स के बारे में जानता है, और वो है डॉक्टर हर्षित। डॉक्टर हर्षित। ध्यान से देखो, शायद देखा हो। नहीं साहब, नहीं देखा। नहीं देखा भाई साहब? ये आदमी आपकी टैक्सी में बैठा था क्या? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ये साहब हमारी टैक्सी में सफर किए थे। बहुत जल्दी में थे, मुझे अच्छे से याद है। इतने अच्छे से कैसे याद है तुम्हें? क्योंकि साहब वो जबरदस्ती बिना बताए मेरी टैक्सी में घुस गए थे, बहुत जल्दी में थे। कहाँ लेके गए थे ने? साहब महाबलेश्वर। महाबलेश्वर? हाँ साहब, बहुत गुस्से में थे और हड़बड़ाए हुए थे, बोले जल्दी से महाबलेश्वर चलो। महाबलेश्वर जाने की ऐसी क्या जल्दी थी डॉक्टर हर्षित को? साहब अपुन को महाबलेश्वर नहीं जाना था, अपुन की गाड़ी तो पंचगनी तक जाती है, लेकिन वो बहुत जबरदस्ती की है और अपुन को एक्स्ट्रा पैसा देने का वादा किया तो अपुन राजी हो गया। सर डॉक्टर हर्षित पुणे से मुंबई नहीं बल्कि महाबलेश्वर गए थे। अच्छा तुम्हें याद है महाबलेश्वर में तुमने इन्हें कहाँ छोड़ा था? रास्ते का नाम, होटल? हाँ साहब, टैक्सी में ये लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे थे और महाबलेश्वर के होटल के बारे में कुछ बोल रहे थे। कौन सा होटल? साहब होटल गैलेक्सी स्टार, लेकिन जैसे हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मुझे 500 के 3 नोट दिए और छुट्टा भी वापस नहीं लिया और बहुत जल्दी में अंदर घुस गए। सर पुणे के होटल स्टाफ ने भी यही कहा था कि फोन पे बातें करते करते जल्दबाजी में निकल गए, टैक्सी के अंदर भी फोन पे लगातार बात कर रहे थे किसी से। आखिर वो बात किससे कर रहे थे? ये तो महाबलेश्वर जाके ही पता चलेगा। होटल गैलेक्सी स्टार। आप चिंता मत कीजिए सर, आप आइए और बस पार्टी के मजे लीजिए, बाकी सब हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके थैंक यू। वेलकम सर, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? CID मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर? आप बस जवाब दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। कोई सीरियस बात है सर? सीरियस ही समझिए, हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में पूछताछ करने आए जो 6 मई को आपके होटल में आया था। सर यहाँ तो रोज बहुत सारे गेस्ट आते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम इनकी बात कर रहे हैं। ये आदमी, ये तो वही पागल आदमी है सर, मुझे तो पहले से लगा कि आदमी सही नहीं है। पागल आदमी?
नहीं, ये डॉक्टर है, इनका नाम हर्षित है। डॉक्टर है? पर सर उस दिन तो एकदम पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था ये। अच्छा, ये यहाँ पे आए कब थे? सर अभी बताता हूँ। छह मई को आए थे सर, और एकदम से हड़बड़ाए हुए से आए थे, और सीधे रिसेप्शन पे आके पूछने लगे कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। पत्नी? उनकी पत्नी यहीं ठहरी हुई थी? नहीं सर, लेकिन वो बोल रहे थे कि उनकी पत्नी निशा मुसीबत में है, उसकी जान को खतरा है, और हमने उन्हें फोन करके यहाँ महाबलेश्वर बुलाया। हाँ सर, वो बोल रहे थे कि होटल गैलेक्सी स्टार के मैनेजर ने उन्हें फोन करके यहाँ बुलाया था। कौन है मैनेजर? सर मैनेजर तो मैं ही हूँ, पर मैंने कोई फोन नहीं किया था, और निशा नाम की कोई औरत भी यहाँ पर नहीं ठहरी थी। तो फिर वो ये सब कैसे कह रहे थे? हाँ सर, बोल रहे थे कि उनकी पत्नी ने यहाँ किसी आदमी से झगड़ा मोल लिया है, बहुत कहा सुनी हुई है, और मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुला लिया और कहा कि अपनी पत्नी को बचा लें। उसके बाद क्या हुआ? बस सर, हमने उन्हें बहुत समझाया कि हमने कोई फोन नहीं किया, बस सर उसके बाद उसका फोन आया और वो बात करते हुए चले गए। अच्छा, वो किससे बात कर रहे थे, कुछ सुना आपने, या किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? नहीं सर, हमने तो बस चैन की सांस ली कि वो यहाँ से चले गए। ठीक है निखिल, अगर 6 मई को डॉक्टर हर्षित यहाँ महाबलेश्वर में थे, तो फिर 6 मई को मुंबई में निशा का खून किसने किया? बड़ा चालाक है ये खूनी। प्लानिंग करके पहले उसने निशा का खून किया और फिर खून के इल्जाम में फंसा दिया हर्षित को। हाँ सर, खूनी ने काफी मेहनत की है ये साबित करने की कि खून 10 से 12 दिन पहले हुआ है, यानी कि अप्रैल 28 से 30 के बीच। लेकिन सर खूनी ये क्यों साबित करना चाह रहा था कि निशा का खून 28 से 30 अप्रैल के बीच ही हुआ है? क्योंकि श्रेया उन दिनों में हर्षित शहर में ही था, शहर में, और खूनी चाहता था कि हम हर्षित पर शक करें। लेकिन सर हमें ये तो पता चल ही चुका है कि खून 5 से 6 दिन पहले हुआ है, लेकिन इसी दौरान खूनी ने हर्षित को पुणे से महाबलेश्वर क्यों बुलाया, क्यों? वो इसलिए सचिन कि उसने सोचा होगा कि अगर हमें पता भी चल जाए कि खून 10-12 दिन पहले नहीं बल्कि 5-6 दिन पहले हुआ है, तब भी हम शक करेंगे हर्षित पर ही। वो कैसे सर? श्रेया, खूनी ने पहले निशा का खून किया और फिर उसी दिन वो महाबलेश्वर चला गया, और फिर महाबलेश्वर से उसने फोन किया पुणे में हर्षित को और उसे बुला लिया महाबलेश्वर। और खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हम लोग पुणे के होटल में जाकर पूछताछ जरूर करेंगे, और हमें ये पता चल जाएगा कि उसी दौरान हर्षित होटल से 1-2 दिन के लिए गायब, और हमारा शक और भी पक्का हो जाएगा। लेकिन सर खूनी घर के अंदर घुसा कैसे होगा? खिड़कियां दरवाजे सब सही सलामत था, बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं की गई थी। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी निशा को अच्छी तरह से जानता हो और इसीलिए उसके घर में आसानी से घुसा, निशा का खून किया और उसके बाद गाड़ी की चाबी ली, लाश को गाड़ी में डाला और जंगल निकल गया। हो सकता है। सर ये भी हो सकता है कि खूनी ने गाड़ी और घर दोनों की डुप्लीकेट चाबियां बना ली। ये भी हो सकता है। इस निशा के घर के आसपास जो भी चाबी बनाने वाला है, उसे जरूर याद होगा कि किसने उससे घर की चाबी और गाड़ी की चाबी एक साथ बना के ली थी। और इस हर्षित के मोबाइल फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता चल जाएगा किसने उसे पुणे में फोन किया था महाबलेश्वर बुलाने के लिए। इस चाबी वाले से पूछ के देखते हैं। बोलो साहब, कौन से ताले की चाबी बनानी है? तुमने कौन से ताले की चाबी बनाई थी वो जानना है। क्या साहब, क्या बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओ, हम CID से। CID? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया है, हो सकता है किसी ने आपसे कुछ करवाया हो। अच्छी तरह से याद करके बताना, कोई आदमी आया था तुम्हारे पास 2-2 डुप्लीकेट चाबियां बनवाने, एक अपने घर के लिए एक अपनी गाड़ी के लिए? याद है ना साहब, एक साहब आया था 8 या 9 दिन पहले, उसके घर की चाबी खो गई थी, तो बोला चाबी बनानी है। हम बोले ठीक है बना देंगे, अपना तो काम ही है चाबी बनाना, लेकिन जब तक उससे घर का दरवाजा नहीं देखेंगे तब तक चाबी कैसे बनाएंगे। फिर उसने क्या कहा? पहले तो कुछ नहीं बोला, उसका मुंह तो एकदम छोटे एक लीवर के ताले के माफिक हो गया, फिर कुछ सोच के बोला कि ठीक है चलो। यानी कि तुम उसके घर गए थे? घर के बाहर तक गया था, उसके दरवाजे का लॉक देके बोला कि 1/2 घंटे में बना देगा, फिर उसने अपनी गाड़ी दिखाई, बोले इसकी भी चाबी बना डालो, सेफ्टी के लिए एक चाबी और चाहिए। अपन ने बोला ठीक है बना देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसका घर कहाँ है? बस आगे से राइट में 2nd गली में 2nd घर। सर ये तो डॉक्टर हर्षित के घर की तरफ इशारा कर रहा है। क्या वो आदमी यही था? नहीं साहब, ये नहीं था,
तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है ना? याद है ना साहब, ऐसे कस्टमर को कौन भूलेगा। अरे मुंह मांगा पैसा दिया था, डबल पेमेंट दिया था, डबल। निकल, इसको ब्यूरो लेके जा और स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठा, पता तो चले कि वो आदमी था कौन। देखो जिसने भी तुमसे चाबी बनवाई ना, उसके चेहरे की एक एक बारीकी बताओ हमारे आर्टिस्ट को, समझे? भूल मत करना। हाँ श्रेया, नंबर के बारे में क्या पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, कोशिश जारी है सर। जल्दी करो श्रेया, हमारे पास वक्त बहुत कम है। यस सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खूनी ने हर्षित को महाबलेश्वर क्यों बुलाया? मुंबई भी तो बुला सकता था। ये गलतियों कभी नहीं करता। अगर हर्षित मुंबई आता तो उसे पुणे के होटल में से चेकआउट करना पड़ता, और मुंबई आते उसे पता चल जाता कि निशा गायब है, तो जाकर पुलिस में दर्ज करता रिपोर्ट। समझ में नहीं आ रहा कि ये खूनी चाहता क्या था सर? खूनी चाहता था एक तीर में दो शिकार। मतलब निशा का खून और हर्षित को सजा। दोनों का दुश्मन था ये खूनी। सब पता चल गया। 5 तारीख को हर्षित को इस नंबर से फोन किया गया था। कहाँ का नंबर है ये? सर महाबलेश्वर के किसी एसटीडी बूथ का नंबर है ये। महाबलेश्वर के किसी एसटीडी बूथ का नंबर? सर ये खूनी हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। हाँ बड़ा चालाक समझता है अपने आप को, लेकिन उसे मालूम नहीं सीआईडी वालों से पंगा लिया है उसने। सर स्केच रेडी है। यही है वो, इसी ने तुमसे चाबी बनवाई थी? हाँ साहब यही है वो, इसने अपने को डबल पैसा दिया था, इसका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ मैं। माय गॉड। सर इस आदमी को देख के यकीन ही नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने खून किया। हाँ पहले निशा का खून किया और फिर अपने आप को बचाने के लिए इसने हर्षित को भी गायब कर दिया है। मार भी सकता ये हर्षित को। इसका फोन नंबर तो है ना हमारे पास, बस फोन करो, पता लगाओ है कहां पर ये, और फिर उठाओ इसे। हर्षित कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ छोड़ दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा है? हाँ इतनी जल्दी भूल गया तू? याद कर 6 साल पहले की वो शाम, जब उस जुर्म के लिए तूने मुझे जेल भिजवाया था, वो जुर्म जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे लगा तुम इस बात को भूल चुके हो। हर्षित ऐसी बात को कोई कैसे भूल सकता है? कैसे भूल सकता है? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। वो 6 साल जेल में मैंने कैसे काटे हैं मुझे पता है। वो पल पल की घुटन मैंने सही है, तेरी सजा मैंने काटी है, और तू कह रहा माफ कर दूं? नहीं बिल्कुल नहीं, तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा मैं दूंगा तुझे। मैं क्या करोगे तुम? इतनी जल्दी क्यों है? हाँ अभी बताता हूं। नहीं, 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 नहीं। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं, पर इसमें सिर्फ 5 हैं। तुझे पता है एक गोली कहां गई? पता है? नहीं। इस गोली से एक का खून कर चुका हूं मैं। किसका? तुम्हारी प्यारी बीवी निशा का। नहीं। हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिल्ला मत, ऊंची आवाज पसंद नहीं है मुझे। चीख मत। 6 साल की सजा बंदूक की 6 गोलियां लेंगी। पहली गोली चली निशा पर, दूसरी चलेगी तेरे पर। तुझे पता है जब मैं जेल में था ना, यही सोचता था कि बाहर जाकर तेरे से बदला कैसे लूंगा। हर एक गोली हर एक साल का बदला लेगी तेरे से जो जेल में मैंने काटे हैं। दर्द हुआ? हाँ रोना रहा है, बहुत रोना रहा है। मुझे भी आया था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता हर्षित, नहीं कर सकता। तेरी वजह से मेरी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी, फिर मेरा संसार कभी नहीं बन पाया। लेकिन तू तो डॉक्टर बन गया ना, शादी कर ली, संसार बना लिया, मेरा क्या? मेरी पूरी जिंदगी, मेरा करियर बर्बाद हो गया। जिंदगी भर के लिए मेरे पे ठप्पा लग गया है, एक खूनी का, एक क्रिमिनल का, और तू कह रहा माफ कर दूं तेरे को मैं? नहीं, नहीं। सर
सिग्नल इधर से आ रहा है। किधर है? देखिए सर। किधर? मैं जेल में सड़ता रहा, जिंदगी को कोसता रहा तेरी वजह से। सर ये तो वही जंगल है जहां खूनी ने निशा की लाश को गाड़ा था। इस सदमे में मेरी माँ गुजर गई तेरी वजह से। कहीं खूनी ने हर्षित को भी तो नहीं मार दिया? शायद अभी नहीं, मार दिया होता तो खूनी भाग जाता। सिग्नल यही है, मतलब है यही कहीं। सर सिग्नल इधर से आ रहा है। सर मैं अनाथ हो गया, अकेला हो गया, बदनाम हो गया मैं तेरी वजह से। मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मुझे उन 6 सालों का हिसाब चाहिए। बच्चों की नहीं अनुराग, ये नहीं तुम्हें पकड़ ही लेगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सर सर सिग्नल सबसे आ रहा। सर फांसी तो होगी, उससे पहले मैं तुझे फांसी दूंगा। नहीं, नहीं। हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा आपको। अभी भी भाग रहा है? कॉलेज में मैं हर्षित और निशा का दोस्त था। हॉस्टल में हर्षित के हाथों एक लड़के का खून हो गया। उसने उस जुर्म में मुझे फंसा दिया। उस झूठे खून के इल्जाम में मुझे 6 साल जेल में काटने पड़े। जेल से निकलने के बाद हर्षित से झूठी दोस्ती का नाटक किया तुमने। ये तेरा फोन? ये कौन है? ये मेरा बचपन का दोस्त अनुराग। मैं बदला लेना चाहता था, जैसा उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया था मैं भी उसे फंसाना चाहता था। निशा का खून करके? निशा के घर की डुप्लीकेट चाबियां मैंने बनाई, और जब निशा अकेली थी मैंने उसका खून कर डाला। मैंने उसके घर का फोन और मोबाइल खराब कर डाला ताकि वो हर्षित से बात ना कर सके। मैंने जानबूझकर उसके खून के छींटे जगह जगह छोड़ दिए ताकि सीआईडी को लगे कि हर्षित सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जेल जा सके उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन अंजलि को क्यों अगवा किया तुमने? क्योंकि ये हर्षित की मदद कर रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की की वजह से मेरा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाता। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे किडनैप किया और अपने पास यहाँ रख लिया जंगल में। मैं हर्षित के साथ दोस्ती निभा रही थी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने डॉक्टर हर्षित को महाबलेश्वर क्यों बुलाया? ये मेरा प्लान बी था, ताकि अगर सीआईडी को किसी तरह पता चल भी जाए कि खून 6 मई को हुआ था तब भी शक हर्षित पर जाए, ताकि सीआईडी को लगे कि 6 मई को हर्षित पुणे से मुंबई आया, निशा का खून किया, 7 तारीख को वापिस चला गया। प्लान ए प्लान बी सब फ्लॉप हो गए। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा भांडा फूट जाएगा तो तुम अंजलि और डॉक्टर हर्षित को यहाँ जंगल में लेके आए उनका खून करने, लेकिन तुम्हारा बैड लक सीआईडी टाइम पे आ गई। डॉक्टर हर्षित को तो उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें कानून को गुमराह करने और निशा के खून करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.